मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हाई कोर्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, जो है मतलब न्यायालय में हाई कोर्ट का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग इसके शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार हैं और शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, क्षेत्राधिकार शक्तियां तो उसी से मिलते जुलते हैं, कोई अलग टॉपिक नहीं है, बहुत सरल है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपने ठीक से समझ लिया है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हाई कोर्ट का जो है आखिरी लेक्चर है। हाई कोर्ट खत्म हो जाएगा, फिर अधीनस्थ न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे, जिला और सत्र न्यायालय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चूंकि देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में दूसरे नंबर के अगर न्यायालयों की बात करें सबसे बड़े तो कौन से होते हैं, हाई कोर्ट। और राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है, हाई कोर्ट। तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट होता है और देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, और देश में दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसकी शक्तियों की अगर बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसको भी मिला हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो है, जैसे कुछ जैसे मूल अधिकार वगैरह है, ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिले थे जो सिर्फ उसे ही मिले थे, हाई कोर्ट को नहीं मिले थे। कोई बता सकता है कौन सा है? हाँ, आत्यंतिक जो है, हाँ, और एक था जो है, हाँ, जो ऐसे मामले जो मतलब केंद्र और राज्य से संबंधित मामले होते हैं उन पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन कुछ ऐसे जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे जो दोनों को समान रूप से दोनों के पास शक्तियां थी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी, तो उसको क्या कहा गया था, संघीय या उस, हाँ मूल, हाँ, मूल अधिकार था मूल, लेकिन उसके लिए क्या शब्द आया था जो है, कौन सा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंकरेंट, कंकरेंट मतलब जो है समवर्ती, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में किसको मिला था, हाई कोर्ट को मिला था, और किस पर मिला था, मूल अधिकार पर। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का क्या है, मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार में मूल अधिकारों से संबंधित जो है रिटें हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32। ठीक है, तो रिट 5 प्रकार की होती है, वो हमने पढ़ ही लिया था। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में हाई कोर्ट को भी है। और मूल अधिकार हाई कोर्ट का क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो ये याद रखना, मूल अधिकार हाई कोर्ट का क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और सुप्रीम कोर्ट का भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 226, तो ये अनुच्छेद हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकारों के हनन, अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अथवा हाई कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो अधिकार किस प्रकार का है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके मतलब उसका अधिकार मतलब उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट एक रिट जारी करेगा जिसने बंदी बनाया है उसके खिलाफ, तो उसको कहा गया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यानी सशरीर व्यक्ति को शीघ्र ही उपस्थित करो। तो ऐसे करके 5 जो है रिट है, बताओ कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया और अधिकार प्रेक्षा हो गया और उत्प्रेषण हो गया और परमादेश हो गया और एक और कौन सा है, ऐसे भूल जाओगे, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, प्रतिषेध एक है। ठीक है,
तो ये पांच प्रकार के क्या है, रिट है जो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट, इनको याद रखना चाहिए, परिभाषा सहित याद होना चाहिए। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा क्या है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है, जो अधीनस्थ हाई कोर्ट होते, जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जिला और सत्र न्यायालय होते हैं, तो उनके फैसलों के खिलाफ जो है आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यानी यहाँ अपील कर सकते हो, इसीलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा गया। यानी अधीनस्थ कोर्ट में दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो या राजस्व का मामला हो, इस पर अगर कोई व्यक्ति हार जाता है कहाँ पर, जिला और सत्र न्यायालय में, तो वो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को क्या कहा जाता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं, जो सत्र न्यायालय होते हैं, भाई जिला न्यायालय में जो है उसमें दीवानी मामले देखे जाते हैं और मारपीट, हत्या, ये सब किसमें देखे जाते हैं, फौजदारी में। तो फौजदारी में ही फांसी दी जाती है, फौजदारी मुकदमों में ही जो है किसी व्यक्ति को क्या दी जाती है, फांसी। तो सत्र न्यायालय द्वारा फांसी अगर दी गई है तो व्यक्ति अपनी, हाँ व्यक्ति उसके खिलाफ जो है जिसको फांसी दी गई है उसका परिवार जो है कहाँ जाएगा, मुकदमा लेकर के हाई कोर्ट जाएगा। तो हाई कोर्ट, और जब तक हाई कोर्ट उस मृत्युदंड को पुष्टि न कर दे, मृत्युदंड को पुष्ट न कर दे, मतलब अगर सत्र न्यायाधीश ने एक मुकदमा सुना और उसमें किसी व्यक्ति को क्या दे दिया, मृत्युदंड, अक्सर होता है हाईलाइट होने के लिए जो है सत्र न्यायालय मतलब मृत्युदंड की सजा सुना देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तब तक फांसी नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट जो है पुष्ट न कर दे उस बात को कि हाँ ये व्यक्ति मृत्युदंड लायक है, ये सजा जो है मतलब इस प्रकार से जो इसने अपराध किया है वो मृत्युदंड लायक है। तो उसकी पुष्टि कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। तो यही लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका हो गया जो है मृत्युदंड के क्षेत्र में भी जो है हाई कोर्ट का। तो मृत्युदंड, भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा आसानी से तो मरना नहीं चाहेगा, अगर उसे मृत्युदंड मिला है तो वो हाई कोर्ट जरूर जाएगा और वहां से मतलब काफी उस पर जो है मतलब बहस होगी, फिर उस पर बहस होकर के फिर एक निर्णय लिया जाएगा। तो जब तक हाई कोर्ट उसको पुष्ट नहीं करता, अब हाई कोर्ट में अगर मृत्युदंड ने बरकरार रखा तो भी उस व्यक्ति को बचना है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बरकरार रखा उसको तो फिर राष्ट्रपति बचता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, शरण में गिरेगा, महाराज क्षमा कर दो। तो राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान की शक्ति है, तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, अर्थात मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है, अर्थात जिंदा रहेगा लेकिन व्यक्ति लंबे समय तक कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। अच्छा, आजीवन कारावास का ये मतलब नहीं कि जेल में ही मर जाए, मतलब 10 साल या उससे अधिक उम्र की सजा होगी तो वो आजीवन कारावास हो जाती है। ठीक है, और इस बीच अगर आपके मतलब आपका क्या मतलब आप तो जेल जाओ ना, मतलब इस बीच अगर अपराधी जो है उसके हाव व्यवहार मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है तो उसकी सजा को कम भी कर दिया जाता है, समय से पहले छोड़ दिया जाता है आजीवन कारावास के जो है केस में भी। तो इस तरीके से जो है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर भाई न्यायालय में क्या होता है, हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में किसी फैसले को एक मतलब कि एक जज देखेगा, या अगर मामला ज़्यादा संगीन है तो एक से अधिक जज बैठते हैं उसको सुनने के लिए। तो अगर किसी एक पीठ, उसको बोलते हैं एकल पीठ, ठीक है, अगर एक जज ने फैसला सुनाया है और उसमें मान लो जो है एक पक्ष है जो मुकदमा हार गया है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में ही वो पुनः रिट करेगा अपने ही मतलब उस फैसले के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में फिर एक से अधिक जजों की पीठ बनाई जाएगी, एक से अधिक जज बैठेंगे उसके मुकदमे को सुनने के लिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम पाँच जज अगर बैठते हैं तो वो संवैधानिक पीठ कहलाती है, कम से कम पाँच या उससे अधिक जज बैठेंगे तो क्या कहलाएगी, संवैधानिक, अर्थात संविधान से संबंधित अगर कोई मुकदमा दायर किया गया है, संविधान के मतलब उल्लंघन की बात हो या संविधान से संबंधित कोई प्रक्रिया है उस पर संबंधित अगर मुकदमा हो रहा है तो उसकी सुनवाई के लिए जो है कम से कम पाँच जजों की जो है पीठ बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ। तो इस तरीके से कम मतलब इस अगर एक पीठ से मुकदमा पुनः जो है कोई हार गया है और हाई कोर्ट में ही रिट करता है तो फिर कम से कम दो लोग उस पर बैठेंगे, दो तो तीन लोग मतलब कम से कम जो है दो पक्ष में होंगे, एक विपक्ष में होगा तभी वो फैसला निर्णय आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो है, यह अनुच्छेद 227 में, 226 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में मतलब जितने भी प्रशासन से संबंधित हाई कोर्ट के कार्य है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण वगैरह हैं, उनके प्रशासन की देखभाल करता है अधीनस्थ कोर्ट
यानी जिला और सत्र न्यायालय और जो न्यायाधिकरण होते हैं ट्रिब्यूनल्स होते हैं, मैंने बताया था ना कि मतलब ये मतलब अर्ध न्यायालय होते हैं ट्रिब्यूनल्स, जैसे गंगा जो है ट्रिब्यूनल्स वगैरह है, इसमें क्या होते हैं फैसले होते हैं, इसमें भी फैसले होते हैं जो निर्णय दिए जाते हैं इनके जो है अधिकारियों द्वारा। मैंने बताया ना कि 10 वर्ष अगर अधिकरण वगैरह में कोई व्यक्ति क्या रहा हो अधिकारी रहा हो तो वो हाई कोर्ट का जज बनने का जो है योग्य हो जाता है। तो वो यही है, अगर कोई न्यायाधिकरण वगैरह है ट्रिब्यूनल्स इनको बोलते हैं। आप आगे इसको हम पढ़ाएंगे अलग से टॉपिक, ट्रिब्यूनल्स पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके समझाएंगे। तो इन ट्रिब्यूनल्स वगैरह के भी जो है प्रशासन की व्यवस्था और कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट की प्रशासन की व्यवस्था सब हाई कोर्ट देखता है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। अब प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से मतलब रन हो रहा है व्यवस्था, अधीनस्थ न्यायालय किस तरीके से चल रहे हैं, उसमें ठीक समय पर सारी सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, गलत तो नहीं हो रहा है, सारी ये सारी चीज़ों की देखभाल करना अधीक्षण करना किसका काम है जो है हाई कोर्ट का काम है, यानी इनका अधीक्षण करता है, इनकी देख रेख में हाई कोर्ट के देख रेख में अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण कार्य करते हैं, सीधे सीधे ये बात कहो ठीक। और कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति, कुछ मामले कुछ ऐसे केस होते हैं जिन केस की सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से फैसलों को अपने यहाँ मंगवा सकता है, मुकदमों को अपने यहाँ मंगवा सकता है, उसको कहते हैं अंतरण की शक्ति। अंतरण का मतलब केस को अपने यहाँ बुलाना, अगर मतलब कोई ऐसा केस है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है और कहाँ मुकदमा चला गया है वो नीचे वाले कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में कोई मामला चला गया और मामला कैसा है संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार या तो सुप्रीम कोर्ट को है या हाई कोर्ट को है, ठीक है, दोनों न्यायालयों को है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तो ऐसे मामलों को वो अधीनस्थ न्यायालय से कहाँ मंगा लेगा, अपने कोर्ट में अर्थात हाई कोर्ट में मंगा लेगा, ठीक है, तो हाई कोर्ट में मंगा लेगा। ऐसे अनुच्छेद 228 के अंतर्गत ये शक्ति मिली है हाई कोर्ट को, किसको, हाई कोर्ट को 228 अनुच्छेद के तहत ये शक्ति दी गई है कि वो कुछ ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हैं और बाय दी वे वो कहाँ चल रहा है मुकदमा, सत्र जिला या सत्र न्यायालय में, तो उनको अपने यहाँ मंगवा सकता है। या फिर कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो लंबित पड़े हों, काफ़ी लंबे समय से उसे विचार नहीं हुआ हो जिला सत्र न्यायालय में, ठीक है, तो ऐसे ऐसे मामले भी कहाँ मंगाया जा सकता है, हाई कोर्ट में, और उस पर तत्काल जो है फैसला सुनाया जा सकता है। कोई ऐसा मामला हो जो किसी मतलब समाज को प्रभावित करने वाला हो लेकिन वो उस पर बहस ही नहीं हो पा रही हो, तारीख पे तारीख लगती चली जा रही हो, तो ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट जो है एक्शन में आएगा और उसको मुकदमे को कहाँ बुलाएगा, अपने कोर्ट में, और उस पर फैसला करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कुछ मामलों, सभी मामले नहीं, कुछ मामले, सभी मामले देखने का समय ही नहीं इसके पास भाई, अगर जिला न्यायालय के सभी मामले देखने लगेगा तो जिला न्यायालय क्या मतलब रह जाएगा, इसलिए कुछ मामले शब्द आया है। तो कुछ मामलों को खास करके संविधान की व्याख्या का अगर कोई प्रश्न है तो उसे निश्चित ही तौर पर जो या तो अधीनस्थ न्यायालय लिख देगा कि ये मुकदमा हमारे यहाँ लायक नहीं है क्योंकि संविधान की व्याख्या करने के लायक हित संबंधित है, तो इस मुकदमे को कहाँ ले जाओ, हाई कोर्ट ले जाओ, ठीक। और इसके अलावा जो है हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट तो एक अभिलेख न्यायालय था ही और हाई कोर्ट भी क्या है, एक अभिलेख न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं, अभिलेख मतलब उनके फैसले जो है रिकॉर्डेड होते हैं, उनके फैसले अनुकरणीय होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अर्थात उन्होंने जो फैसले सुना दिए उस फैसले को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय उन फैसलों के आधार पर ही क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, अगर उससे संबंधित कोई फैसला है तो अधीनस्थ। और इस ये जिक्र कहाँ, अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 पहले ही पढ़ा दिया था मैंने कि आर्टिकल 215 में क्या है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है, किसको, हाई कोर्ट को, ठीक है, तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इसकी व्याख्या मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर दी थी सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाते हुए, ठीक। और न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट के पास पावर है। इसमें क्या होता है कि अगर संसद और राज्य विधान मंडल अगर कोई ऐसे कानून बनाते हैं जिससे संविधान का क्या हो, अतिक्रमण हो, संविधान का उल्लंघन हो, कौन, संसद भी कानून अगर बनाता है और संविधान का उल्लंघन होता है तो भी ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है उस कानून को जो है क्या कर देगा, शून्य कर सकता है, ठीक है, कौन सी शक्ति के तहत, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी ज्यूडिशियल रिव्यू करेगा उस कानून का, जो कानून बनाया है संसद ने उस कानून का जो है हाई कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा
और अगर उसे लगेगा कि ये कानून संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जीरो कर सकता है, ठीक है। या राज्य विधानमंडल, भाई विधानमंडल भी कानून बनाते हैं राज्य के, तो वो भी अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हाई कोर्ट उसको क्या करेगा, उस रिव्यू करके उसे खत्म कर सकता है, ठीक। और इसके अलावा हर हाई कोर्ट में कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ सर्विस करने वाले सेवक होते हैं, तो इन सबकी नियुक्ति करता है कौन, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी अपने यहाँ नियुक्ति करता था, और हाई कोर्ट भी अपने यहाँ अधिकारियों की, सेवकों की, फोर्थ ग्रेड के सेवकों की, सबकी क्या करता है, भर्ती करता है, नियुक्ति करता है। तो उस नियुक्ति का अधिकार उसी को है, हाई कोर्ट को है अपने यहाँ रखने का। तो जो है अब इनके वेतन और भत्ते भी निर्धारित करता है, इनके वेतन और भत्ते भी निर्धारित करता है हाई कोर्ट। और इसके अलावा जो है वेतन और भत्तों के साथ साथ में जो है इनको राज्य की वेतन और भत्ते किसे दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से, किसको, जज को दिए जाते हैं। और जज के साथ साथ में जो हाई कोर्ट में सेवक और अधिकारी होते हैं, तो सर्विस करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे बाबू होंगे, चपरासी होंगे, और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे रिव्यू ऑफिसर होते हैं, आरओ होते हैं, एआरओ होते हैं, तो इन सबका वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है, ठीक। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता थी, मतलब विधायिका और कार्यपालिका से क्या किया गया था, स्वतंत्र रखा गया था सुप्रीम कोर्ट, सीधे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है, किससे, विधायिका और कार्यपालिका से। इसी प्रकार से हाई कोर्ट भी स्वतंत्र है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र ही है, हाई कोर्ट भी स्वतंत्र है। इस पर भी जो है विधायिका और कार्यपालिका अपने जो है दबाव नहीं लगा सकते हैं। तो उसके पीछे कुछ जो है हम लोग मतलब तरीके देखेंगे, कौन से तरीकों से हाई कोर्ट को स्वतंत्र रखा जाता है। जैसे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, नियुक्त कौन करता है, हाई कोर्ट में जज राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश के जज की नियुक्ति की बात करें तो किससे सलाह लेता है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। और आदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति में तीन लोगों से सलाह लेता है राष्ट्रपति, इससे सीजेआई से और सीजे से, मुख्य न्यायाधीश भारत के और मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के और भारत और उस राज्य के राज्यपाल से। तो इस तरीके से जो है तीन लोगों से जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति क्या लेता है, सलाह लेता है। तो बहुत कठिन प्रक्रिया है मतलब नियुक्ति की भी, तो इसलिए जो है एक कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति की जाती है, इसलिए जज सारे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कार्यपालिका और न्याय वो विधायिका का उस पर हस्तक्षेप कम होता है, नहीं ही होता है। और कार्यकाल इनका 62 वर्ष होता है, हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष। तो उस कार्यकाल से पहले जो है जबरदस्ती किसी को हटाया नहीं जा सकता है, अगर त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन है, बिल्कुल राष्ट्रपति की हटाने की जैसी प्रक्रिया है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है। वेतन और भत्ते की बात करें तो शपथ लेने के बाद में इनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है, वेतन निर्धारण कौन करता है, संसद, तो संसद इनके वेतन को कम नहीं कर सकता है, अर्थात कम करेगा तो वहां पर जो है न्यायपालिका पर हस्तक्षेप किसका हो जाएगा, विधायिका का, कार्यपालिका का, लेकिन इनको वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। आपात, कोई वित्तीय आपात की स्थिति अगर आ जाती है, यानी भारत में जैसे मतलब वित्तीय आपात आ गया, अभी तक हालांकि एक बार भी वित्तीय आपात नहीं आया है, तो वित्तीय आपात में हम लोगों की सैलरी भी जो है कम हो सकती है, तो न्यायाधीशों की भी कम हो सकती है, लेकिन वैसे सामान्य समय में इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट को स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका और विधायिका से। और इसके अलावा ये संविधान की रक्षा करते हैं और संविधान की व्याख्या भी करते हैं। तो जब संविधान के रक्षण और व्याख्याकार हैं तो ये फिर सुप्रीम होंगे, मतलब इनके पास मतलब पावर होगी अच्छी खासी, तो ये हाई कोर्ट जो है स्वतंत्र होगा, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की भांति जो है एक स्वतंत्र बॉडी है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी व्याख्या करने वाले होते हैं, किसके, संविधान की व्याख्याकार होते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। किस तरीके से, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करना ही, और बाकी उसके बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसा कि मैंने देखा कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति में क्या है, संविधान के उल्लंघन करने वाले कानूनों को खत्म कर देते हैं, तो संविधान की रक्षा करते हैं कि नहीं, संविधान के प्रहरी। तो प्रश्न आता है संविधान का प्रहरी कौन है, न्यायपालिका, संविधान का प्रहरी कौन है, न्यायपालिका, ठीक। अब उसमें दोनों रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी है और
हाई कोर्ट भी है, दोनों संविधान के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, वो रक्षा करते हैं कि संविधान का मतलब उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो भी कानून संसद बनाए तो संविधान को ध्यान में रखते हुए ही बनाए, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको प्रहरी कहा गया, संविधान का रक्षक कहा गया है न्यायालय को। ठीक, तो इस तरीके से ये उच्च न्यायालय का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, दोनों तुलना करके पहले पढ़ा जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, जिससे ये दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, फिर अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे।